लीजिए सुनिए गोदान बाग 12। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसे कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय ना था, वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहां जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उनके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब भी एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और दो चार रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है, मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले या रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा, न तुम गाय लेने आते, ना ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो वह कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी, गोबर ने कहा। नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना, मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं, हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया, गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देरी ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूं। इससे तो कहीं अच्छा था किसी दूसरी जगह भाग चलते, जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे, तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ अभी आता हूं। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूं झुना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली, गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी, शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला, मैं पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती, और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा दादा भी बिगड़ रहे हैं, केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया, मैं जरा अदब करता हूं उसी का फल है। ये तो दादा भी वहीं जा रहे हैं, अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा, भगवान अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं ना जानता था इस विपत्त में जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं,
घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। मां बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक मां बाप है, जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे मां बाप? होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंद गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वे सारे खलिहान को भस्म कर देगी, ये उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस ना था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा। मैं पीछे लौटा, अब मैं झुनिया को क्या मुंह दिखाए? मैं 100 कदम चला पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई जब वह अपनी उन्मत्त उन सांसों में अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों में रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह न था, न वह उदीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिया का जाल और छल भी तो वहां ना था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं ये कौन जाने, पर उसे विपत्ति में डाल ही दिया। मैं संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों में प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से अंदर झांका, धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था, झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखें देख भी ना सकेगा। गोबर गदगद हो गया, आज मैं किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठे खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं थी, वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी ये विचार ही नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मड़ैया में जाग बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, ये उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वे 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं है, अब यह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने थोड़े भी लेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 शेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के उसहारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा
क्या वह उसके रहने के लिए एक जगह ना देगा? आटा रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा, लकड़ी, दाल, नमक, साग, ये सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी एक पैसे की दाल ले ली, कभी आलू, आलू भून कर भुरता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है? पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर वाटियां सेंकी, आलू भूनकर भुरता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घड़ी पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है? एक जून तो चबेना ही मिलता है, वहां भी एक जून चबेने पर कटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो क्या करेगा? मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी? जब वह जी तोड़ काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे बिना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, जूनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, और वह अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों? कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहां कहां बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ ना खाया था, भूख मालूम होने लगे, पांव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बैर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना, कोलाहड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोहलू और बना ले खांड, अगले साल तक मील तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी, गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तमाखू तो पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुड्ढे ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बैर पकड़ लें तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। महान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा? युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूं उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर साथ चलम ना जाऊंगी, बूटी बूटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपने चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूं तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी क्या बात हुई? मेरे माई बाप को कोई क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा, तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है?
जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढंक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो चार रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की दोस्त हूँ? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीर को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी, एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ ना कह सकता था, मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी महरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। महरिया आएगी तो भी उसके झोटे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा, तो अपने राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहां मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होंठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तोड़ा के जाओगे? ये कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे? ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपने राह क्यों नहीं जाते? यहां कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है? कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूं, तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों ना लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर पर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बगैर ना मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया, उस पुरुष का नाम कुदई था। कुदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा, मैं हक ना हक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मौरूसी 5 बीघे खेत है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूंगा लुगाई ही से कहूंगा, उस पर अपना बस है। तुम्हें सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं आती। चाहती है मां से अलग हो जाऊं। तुम्हें सोचो, कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी मां से जिसने जन्म दिया, पर मुझसे ना होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी ये राय बदलनी पड़ी, बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कौन ओरिन हो सकता है। कुदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता, कोस दो कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया, वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता, उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गाली क्यों देती है।
हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उसे सुना ना जाएगा। सब दोस्त लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोस्त है। जब हर बात में वे अपनी बेटी का पक्ष करेंगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चले जाए पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात भर के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कुदई के साथ हो लिया, दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कुदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही ना थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतने ही डांट में डर गए, लुगाई आ जाएगी तब कहां भागोगे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। कुदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे।